बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग पर चल रही चर्चा के बीच रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने बागी तेवर दिखाए, क्योंकि खबर है कि बिहार में चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं और इन सीटों में हाजीपुर की सीट भी शामिल है। पशुपति पारस इसी सीट से सांसद है, लेकिन सूत्रों ने खबर दी कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया और ये खबर आते ही पशुपति पारस सक्रिय हो गए। उन्होंने बागी तेवर भी दिखाए, क्योंकि सूत्रों ने खबर दी कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लोकसभा चुनाव में बिहार की 5 सीटें मिलनी तय हैं और इन सीटों में बिहार की हाजीपुर सीट भी शामिल है। यही वजह रही कि पशुपति पारस ने पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक की और बैठक के बाद दो टूक बोल दिया कि वो हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। खबर आई कि एनडीए में सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की पार्टी को तवज्जो दी गई और इस खबर से पशुपति पारस नाराज दिखे। अभी हमारी पार्टी को तरजीह नहीं दी गई, इससे हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी निराश स्थिति है। बिहार में लोकसभा सीटों के मुद्दे पर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच खींचतान इतनी बढ़ गई कि पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ने के संकेत तक दे डाले। घोषणा के बाद क्योंकि हमें उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र है, हमारा दरवाजा खुला हुआ है। पशुपति पारस 2019 में बिहार की हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। वो बिहार की अलौली विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके हैं और 3 बार बिहार सरकार में मंत्री भी थे। 2017 में पशुपति पारस बिहार सरकार में मंत्री बने तो वो न तो विधानसभा और न ही विधान परिषद के सदस्य थे। इसके बाद 2019 में उन्होंने बिहार के हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था और बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान ने भी हाजीपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी और सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की हाजीपुर सीट चिराग के खाते में चली गई। इसके संकेत चिराग पासवान ने खुद दे दिए थे। मेरे पास किसी का कोटा नहीं है, मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। यानी चिराग ने इशारों में जता दिया था कि वो हाजीपुर से लड़ने का मन बना चुके हैं, क्योंकि सूत्रों ने खबर दी कि बिहार में चिराग पासवान की पार्टी को हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, जमुई और नवादा सीटें मिल सकती हैं। 2 उम्मीदवारों के नाम भी करीब करीब फाइनल है। इनमें चिराग पासवान और उनके बहनोई अरुण भारती का नाम शामिल है। यानी हाजीपुर पर छिड़ी जंग को चिराग पासवान जीतते दिखे, लेकिन ऐसा नहीं था कि रामविलास पासवान हमेशा हाजीपुर से जीते। वो वहां 2 बार चुनाव हारे भी। 2009 में हाजीपुर में मिली हार ने तो उन्हें इस कदर तोड़ दिया था कि वो एक जनसभा में रो पड़े थे और हाजीपुर के मीनापुर में हुई रैली में उनके आंसू छलक गए थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान हाजीपुर में हार गए थे, लेकिन हारने के बाद भी उन्होंने खुद को हाजीपुर से जोड़े रखा और चुनाव के नतीजे आने के बाद वहां एक बड़ी रैली भी की और उस रैली में नम आंखों से लोगों से कहा था कि बच्चे से गलती हो जाती है तो थप्पड़ मार देना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। और सियासत के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान से जुड़ा ये किस्सा खूब चर्चा में था, क्योंकि भले ही वो 2009 में चुनाव हार गए थे, लेकिन उसी हाजीपुर सीट पर 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने वापसी कर ली थी, जबकि इससे पहले वो हाजीपुर में 1984 में हारे थे। ये वो वक्त था जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दंगे हुए थे। रामविलास पासवान ने अपने सियासी सफर की शुरुआत इंदिरा गांधी के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक कर की थी और वो जेपी आंदोलन का हिस्सा थे। उस समय के अखबारों में लिखा गया था कि 1984 के दंगों में रामविलास पासवान और चिराग पासवान की जान बाल बाल बची थी, क्योंकि भीड़ ने रामविलास पासवान के घर को घेर कर आग लगा दी थी और रामविलास पासवान 1.5 साल के चिराग पासवान को कपड़े में लपेट कर घर से भागे थे। यानी 1984 में बिहार के हाजीपुर से चुनाव हारने से पहले रामविलास पासवान और चिराग पासवान की जान पर मनाई थी। तब के मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक तो रामविलास पासवान ने खुद अपनी आंखों से तबाही देखी थी और 1977 में बिहार के हाजीपुर से जीतने वाले रामविलास पासवान 1984 में वहां से हार गए थे। इसके बाद 1987 में वो हाजीपुर छोड़कर उत्तराखंड के हरिद्वार से चुनाव लड़े थे और हरिद्वार से जीतने वाले कांग्रेस सांसद सुंदरलाल का निधन हो गया था, जिसके बाद 1987 में हरिद्वार में उपचुनाव करवाए गए थे और उस उपचुनाव में रामविलास पासवान का सामना बीएसपी की ओर से मैदान में उतरी मायावती से हुआ था, लेकिन वहां कांग्रेस के राम सिंह जीत गए थे। मायावती दूसरे नंबर पर रही थी और रामविलास पासवान तीसरे नंबर पर, लेकिन इसके बाद रामविलास पासवान ने एक बार फिर हाजीपुर का रुख किया और 10 में 8 बार हाजीपुर से चुनाव जीते। 1984 और 2009 में जब वो हाजीपुर में चुनाव हारे थे तो उन्होंने अपना चुनाव का कार्यालय बदल लिया था और इसीलिए उनकी हार के बाद उनके चुनाव कार्यालय के बारे में भी खूब बात हुई थी, क्योंकि 1977 में रामविलास पासवान ने हाजीपुर के डाक बंगला के पास इंदू भूषण ठाकुर के घर पर अपना चुनावी कार्यालय बनाया था, लेकिन 1984 और 2009 में रामविलास पासवान ने अपना चुनावी कार्यालय बदल दिया था।
और इन दोनों बार रामविलास पासवान चुनाव हार गए थे। इसके बाद इंदुभूषण ठाकुर के घर को रामविलास पासवान के लिए लकी माना जाने लगा था और खबरें थी कि खुद रामविलास पासवान भी ऐसा मानने लगे थे और वहीं पर अपना चुनावी कार्यालय बनाया था। यानी हाजीपुर से जीतने के लिए रामविलास पासवान हर मोर्चे पर काम करते थे और इस सीट पर उन्होंने दो बार जीत का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। दूसरी बार तो उन्होंने खुद का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था और हाजीपुर में उनके लिए धरती से गूंजे आसमान, हाजीपुर में रामविलास पासवान के नारे लगते थे। लेकिन उनके निधन के बाद हाजीपुर की सीट पर दावेदारी के लिए चिराग पासवान और पशुपति पारस में ऐसी जंग छिड़ी कि लोक जनशक्ति पार्टी ही टूट गई। और खबर है कि इस बार के चुनाव में चाचा भतीजा दोनों हाजीपुर से लड़ सकते हैं। इस बीच